इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी प्लेटफॉर्म से मुझे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि बिजनेस का आइडिया कैसे सोचे या बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाया जाए। तो बिजनेस आइडिया से लेकर एक्चुअल सेल्स तक पूरी जर्नी डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। हाय गाइस, वेलकम टू सिया वाइब्स। माय नेम इज सिया और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि बिजनेस कैसे शुरू किया जाए, कैसे आइडिया सोचा जाए और कैसे शुरू कर सकते हैं आप अपना खुद का बिजनेस बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है आइडिया। अब आपको बिजनेस आइडिया के लिए बहुत ज्यादा कुछ इनोवेट करने की जरूरत नहीं है, कुछ नया लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा कैपिटल लगता है, यानी काफी ज्यादा खर्चा होता है। आपको रिसर्च करनी पड़ती है, फिर आपको पता नहीं आपका आइडिया वर्क करेगा या नहीं करेगा, लोग उसके लिए पे करेंगे या नहीं पे करेंगे। इनोवेट करने की जगह आप सिंपली ये सोचिए कि व्हाट आर यू गुड एट, आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज है जो आम लोगों से बेहतर है। जरूरी नहीं है कि आप कोई एक्सपर्ट लेवल 10/10 हो, लेकिन अगर एवरेज से आप बेटर हो तो भी आप अपने स्किल्स पे वर्क करके अपने आप को और बेटर कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, तो आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, इन सबसे पूछिए आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या अच्छी चीजें हैं। आराम से एक वीक लीजिए ये सोचने के लिए कि आप क्या क्या अच्छा कर सकते हो या आपकी क्या अच्छी क्वालिटीज हैं। अब अपनी सारी क्वालिटीज को आप लिस्ट डाउन कर लीजिए। लिस्ट डाउन करने के बाद उसमें से देखिए कि क्या क्या प्रॉफिटेबल हो सकता है, मतलब ऐसे क्या क्या चीजें जिसके लिए लोग पैसे देने को तैयार हैं और आपका खर्चा उस पेमेंट से कम रहेगा, मतलब आपको फायदा होगा, मुनाफा होगा। मान लीजिए एक बंदा उस सर्विस के लिए 100 रुपए देने को तैयार है और आपका कुल खर्चा होगा 80 रुपए, तो आपको 20 रुपए का मुनाफा होगा उस बिजनेस में। इसी तरीके से आप ये पता कीजिए अभी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उनकी मदद से, मतलब आप जो आइडिया सोच रहे हैं क्या उसी तरह के बिजनेस हैं, क्या उसी तरह के बिजनेस फायदे में हैं, तो उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, लोग कितना पैसा पे करने को तैयार है, ये सभी चीजें आपको काफी हेल्प करेगी ये डिसाइड करने में कि क्या ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। अब इस चीज को मैं एक एग्जांपल के साथ लेके चलती हूँ। मान लीजिए आप बहुत अच्छी बेकिंग करते हैं, बहुत अच्छा केक बनाते हैं, पेस्ट्रीज बनाते हैं, तो उस केस में आपकी क्वालिटीज की लिस्ट में से वो एक थी बेकिंग। उसके बाद आपने देखा क्या इस तरह के बिजनेस हैं, क्या इस तरह के बिजनेस प्रॉफिटेबल हैं, तो आपको 2-3 बेकरीज का पता चला अपने शहर में जो काफी फायदा कर रही हैं। एज अ न्यू बेकरी आपको एस्टैब्लिश करना है, लोग उनको ऑलरेडी जानते हैं, आप एक नए बंदे हो तो आपको वो कैसे जानेंगे। तो इसके लिए आपको करनी होगी एक मार्केट रिसर्च, पता करना होगा लोगों से कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो क्या नई बेकरी को ट्राई करना चाहेंगे, नहीं ट्राई करना चाहेंगे, कितनी मार्केट है अभी, क्या एक और बेकरी आने से सब लोग नुकसान में हो जाएंगे। तो ये सब चीजें आपको रिसर्च करके पता करनी है कि क्या सच में आपको उस बिजनेस में एंटर करना चाहिए या फिर वो बिजनेस ऑलरेडी बहुत सैचुरेटेड है और आपको उसमें एंटर करके कोई फायदा नहीं होगा। तो मार्केट रिसर्च में आपको इन शॉर्ट पता करना है कस्टमर्स क्या प्राइस देने को रेडी है, कितना और मार्केट है उस एरिया में, और एग्जिस्टिंग बिजनेस से कस्टमर्स को क्या दिक्कतें आ रही है या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है जिनको आप अपने बिजनेस से सॉल्व कर सके। तो रिसर्च के बाद अगर आपने अपना बिजनेस फाइनल कर लिया, अब टाइम है इनोवेशन का, मतलब अब आप सोचिए कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो क्या नहीं कर रहे, उनकी जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो कैसे सॉल्व हो सकती है, या फिर आपकी कस्टमर रिसर्च में आपको क्या पता चला, कस्टमर्स क्या और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ अलग चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेकरी में, जैसे कपकेक्स अगर आपकी सिटी में नहीं है तो वैसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या कुछ सॉल्टी आइटम्स भी चाहते हैं वो बेकरी से मिले। मतलब आपने जो भी अपनी रिसर्च से पता किया है ना, उन सब चीजों को आप अपने बिजनेस में एड ऑन करने की कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए ऐसे वाली चीजें आप ऐड कर पाए जो शायद अभी एग्जिस्टिंग बिजनेस कर भी नहीं रहे, और उनको अगर करना पड़े तो उनको काफी टाइम लगेगा, मतलब आपका एक यूनिक सेलिंग पॉइंट रहेगा, आपके बिजनेस की कुछ एक खासियत रहेगी अलग से एज कम्पेयर टू जो सिमिलर बिजनेस है। इससे आपके एक पर्टिकुलर टाइप के कस्टमर्स डेवलप हो जाएंगे, जिन कस्टमर्स की लॉयल्टी भी डेवलप हो जाएगी, मार्केट में लेट आने के बाद भी आप इजिली मार्केट एंटर कर सकते हैं और कस्टमर्स एक्वायर कर सकते हैं। तो बिजनेस डिसाइड होने के बाद ज्यादातर लोग डायरेक्टली बिजनेस खोल लेते हैं या कुछ कुछ शुरू करने लग जाते हैं बिना कोई प्रॉपर प्लान बनाए। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना एक प्रॉपर बिजनेस प्लान बनाओ। बिजनेस प्लान क्या होगा कि आपका एग्जैक्टली गोल क्या है बिजनेस से, आपकी विजन क्या है, आप क्या सोच रहे हो, आपके टारगेट्स क्या है, मतलब 1 साल में या 5 साल में आपको क्या क्या चीजें अचीव करनी है, कितनी सेल्स करनी है, कितने कस्टमर्स एक्वायर करने हैं, अगर कोई एक्सपेंशन का प्लान है तो वो सब चीजें। उसके साथ साथ जरूरी है कि आप डिफाइन करो कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, मतलब आप कौन सी टाइप के लोगों को केटर करना
चाहते हो अपने बिजनेस से, एज ग्रुप हो सकता है, जेंडर हो सकता है, ज्योग्राफिकल लोकेशन हो सकती है, मतलब इस एरिया में आपका बिजनेस है तो इस एरिया के लोगों को आप टारगेट कर रहे हो, तो इस तरीके से ये डिफाइंड होना चाहिए आपकी ऑडियंस कौन है, क्योंकि ऑडियंस के हिसाब से ही आपका प्रोडक्ट बन रहा है। तो आप प्रोडक्ट की पोजिशनिंग, मतलब आपके ऑडियंस के दिमाग में वो प्रोडक्ट किस टाइप का प्रोडक्ट होगा, जैसे अगर आपने बेकरी का एग्जाम्पल लिया तो वही ले सकते हैं, सॉफ्ट स्वीट प्रीमियम काइंड ऑफ केक, उस तरीके की पोजिशनिंग रख सकते हो, या काफी सस्ता है आप इजीली ऑर्डर कर सकते हो, डिलीवरी विद इन 1 आवर, मतलब आप सोच सकते हो कि आपको किस तरीके से कस्टमर के दिमाग में अपने प्रोडक्ट को पोजिशन करना है, और उस हिसाब से आपको प्राइसिंग भी डिसाइड करनी होगी प्रोडक्ट की। तो आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, प्रोडक्ट पोजिशनिंग एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग, ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड रहेंगी, साथ के साथ आपका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट जो आपने सोचा था वो भी आप अपने बिजनेस प्लान में ज़रूर मेंशन कीजिए, क्योंकि हो सकता है थोड़े टाइम के बाद बाकी बिजनेसेस भी सेम चीज़ करने लग जाएं, तो उसके लिए आपको अपनी यूनिकनेस मेंटेन करने के लिए या एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाने के लिए कुछ और स्टेप्स भी लेने पड़ सकते हैं। देन बात आती है आपकी टीम की, मतलब आपको कितने लोग चाहिए, क्या आपको शेफ चाहिए, आपको डिलीवरी बॉय चाहिए उस तरीके से फॉर दिस पर्टिकुलर बिजनेस, या एग्जैक्टली कितने लोगों की टीम चाहिए, कितना काम आप खुद कर सकते हैं। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं बिजनेस ऑन लो इन्वेस्टमेंट की, कोशिश कीजिए कि स्टार्टिंग का ज्यादातर काम आप खुद कर पाए। इसमें मैं एक और एडवाइस देना चाहूंगी, अगर आपका कुछ ऐसा बिजनेस है जहां आप कुछ चीज आउटसोर्स कर सकते हैं, फ्रीलांसर्स से करवा सकते हैं, तो काफी बेटर है रादर देन कीपिंग एवरीवन ऑन योर पेरोल, मतलब आप सब लोगों को आपको सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, आप कुछ लोगों से जितना काम करवा रहे हो उस काम की पेमेंट देनी पड़ेगी आपको। जैसे मान लीजिए ये आपका बेकरी का ही बिजनेस है, यहाँ पे आप एक अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको वेब डेवलपर को एम्प्लॉय करने की जरूरत नहीं है, आप ये चीज आप किसी को आउटसोर्स से काम कर सकते हो और उसको उतने काम का पैसा दे सकते हो। वैसे ही हो सकता है आपको डिलीवरी बॉय रखने की जरूरत नहीं है, आप स्विगी जोमैटो इनसे टाई अप करके यहाँ पे अपना बिजनेस लिस्ट कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में आप जितने कम खर्चे रखोगे उतना ही बेटर है। मैन पावर के साथ साथ आपको रेवेन्यू और एक्सपेंस पे भी प्लान करना पड़ेगा इन डिटेल। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है एक्सपेंसेस, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया मैन पावर में आपको एक्सपेंसेस अपने मिनिमम रखने हैं, वैसे ही आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स होती है, मतलब एक आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो दो तरह के खर्चे होते हैं, एक होता है केपेक्स, एक होता है ओपेक्स। केपेक्स यानी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी आपकी जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जैसे अगर आपने बेकरी खोली है, आपने हो सकता है एक दुकान खरीद ली हो, तो वो आपका वन टाइम एक्सपेंडिचर है। और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं जो बार बार होते रहते हैं, जैसे कि आपका रॉ मटेरियल, आपके जो एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी, वो हर महीने होता रहेगा, तो वो आपका ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है। अब आपको प्लान करना है, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर से तो ज्यादा आपका रेवेन्यू होना ही चाहिए, वरना तो आप फायदे में हो ही नहीं सकते। आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी आपको कम से कम रखना है। मान लीजिए बिजनेस 2 साल चला, 3 साल चला, फिर आपने चेंज करने का सोचा, या किसी भी रीजन से आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो आपका बिजनेस लॉस में बंद नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप रेंट पे जगह ले सकते हैं, उस जगह में कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर लगाइए, उतना जरूर ये जितना एक अच्छी कस्टमर सर्विस के लिए रिक्वायर्ड है, बट उसमें ज्यादा खर्चा बचाने की कोशिश कीजिए। देन रॉ मटेरियल आप उतना खरीदिए जितना आपको स्टार्टिंग में श्योरिटी है कि हाँ इतने में काम चल जाएगा। कोशिश कीजिए ऐसे होलसेल मार्केट से चीजें खरीदने की जहां से आपको काफी सस्ता मिल जाए। आप लोगों से टाई अप कर सकते हैं, अगर आप एवरी मंथ चीजें खरीद रहे हो तो आपको सस्ते में माल मिल जाए, इसके लिए आप अच्छे होलसेलर से टाई अप भी कर सकते हो। बहुत सारे ओवरहेड चार्जेस हो जाते हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है या आपके टेलीफोन बिल्स, उनको भी आपको मिनिमाइज करना है। आप इवन टेलीकॉम कंपनी से बात कर सकते हो, अगर आपके 10 एम्प्लॉइज है, आपको 10 सिम चाहिए, तो उसका कॉस्ट कैसे मिनिमम रखें। तो इस तरीके से बहुत जरूरी है प्लान करना कि आप एक्सपेंसेस को मिनिमाइज कैसे करोगे। लेकिन ज्यादातर लोग पता है क्या गलती करते हैं कि ना, वो सोचते हैं हम मार्केटिंग ही नहीं करेंगे, हम कोई एड्स नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे, इससे हमारा काफी पैसा बच जाएगा। लेकिन वो एक रेवेन्यू जनरेटिंग एक्सपेंस है, मतलब आप जितनी मार्केटिंग करोगे उतने चांसेस हैं लोगों को आपका बिजनेस पता चलने की या आपके पास कस्टमर्स आने के। तो मार्केटिंग पे डेफिनेटली स्पेंड कीजिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्पेंड कर दिया, लेकिन आप जितना कर सकते हैं एक पोर्शन आप मार्केटिंग के लिए डेफिनेटली रखिए। मार्केटिंग के साथ साथ आपको जहां नहीं पैसे बचाने हैं वो है आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी। क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि हम 1 महीने 2 महीने के लिए बिजनेस करने का नहीं सोच रहे, ये बिजनेस हमें कई सालों तक चलाना है, इसलिए इसकी एक अच्छी इमेज होनी चाहिए, जैसे हमने डिस्कस किया एक अच्छी पोजीशनिंग होनी चाहिए कस्टमर के माइंड में। तो आप क्वालिटी पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। अब क्योंकि ये वीडियो काफी
काफी लंबा हो गया था, तो मैंने सोचा मैं पार्ट वन को इसी पॉइंट पे खत्म कर दूं और हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे कि कैसे एक्चुअल में आपको मार्केटिंग करनी है, सेल्स करनी है और जो आपकी कॉमन क्वेरीज आती है मेरे पास इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, वो सभी डिस्कस करेंगे। तो वो वीडियो देखने के लिए आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट संडे वो वीडियो जरूर देखना, मैं यहाँ पे उसका लिंक डाल दूंगी। अगर आपको कुछ भी और क्वेरीज है तो आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक करना और सब्सक्राइब टू द चैनल एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, कोई ना कोई डेफिनेटली इस वीडियो से बेनिफिट करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।